अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज की कहानी मेरी नहीं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त फहाद की है, जो मुझे तकरीबन 5-6 दिन से मैसेज कर रहा था कि यार अदीन मुझे हेयर कट करवाना है। तो मैंने बोला कि यार अभी बारिशें रुक जाए फिर चलेंगे, क्योंकि 5-6 दिन से कराची में लगातार बारिश हो रही थी, पानी इतना था कि घुटने के ऊपर तक। तो मैंने बोला कोई अच्छा दिन आ जाए जिसमें सूरज निकले या सनी डे, उस दिन चलेंगे। तो आज काफ़ी सूरज हद तक निकला हुआ है और फहाद का मेरा मैसेज आया सुबह ही सुबह कि अदील भाई आज चलो, आज सूरज निकला हुआ है। तो फहाद और मैं जा रहे हैं फहाद के हेयर कट के लिए, और कहाँ जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो यार 3-4 दिन पहले ही मैंने अपने हेयर कट का एक ब्लॉग बनाया था, जो कि मैंने भट्टी सैलून पर जाके बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। तो उसकी मैंने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाई, और फिर मेरे एक जानने वाले का मेरे पास मैसेज आया। उसने बोला यार अदील मैंने भी एक छोटा सा सलून खोला है 5x4 में, तो तुम चक्कर लगाओ, उसकी प्रोमो वीडियो बना दो। मैं यार मेरा अभी अभी फ्रेश हेयर कट हुआ है, तो मैं अभी आ नहीं सकता, फिर कभी चक्कर लगाऊंगा। तो उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, उसने बोला भाई तुम अपना कोई भी दोस्त ले आओ, मैं उसके हेयर कट कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, मतलब तुम्हें कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और इसी बहाने मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो भाई मुफ्त का लंगर और फ्री का हेयर कट तो कोई छोड़ता ही नहीं है। तो मैंने फाद को जैसे ही टैक्स किया, मैंने यार फाद हेयर कट करवाना है, उसने बोला कहाँ से, मैंने वो छोड़ो फ्री में करवाऊंगा। फाद भाई 5 मिनट में मेरे घर के नीचे आ गए, और मैं और फाद निकल पड़े फाद का हेयर कट करवाने, वो भी फ्री में। भाई साहब सलून में, और मेरे साथ मौजूद है इसका सलून के ऑनर उसामा भाई। और मेरा उसामा भाई से एक सवाल है कि उसामा भाई तू सलून मतलब आप इस फील्ड में कैसे आए? ये बेसिकली मेरा प्रोफेशन कुछ और था, लेकिन मैंने अपने रिलेटिव से बैकग्राउंड में जो है वो सपोर्ट भी हासिल की सलून के हवाले से, तो इस वजह से मैंने जो है वो सलून का ऑप्शन चूज किया, ताकि जो है वो मैं इस फील्ड को जान सकूँ, समझ सकूँ कि क्या सिचुएशन। और मैं एक और चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ कि यार कोई कारोबार छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की अपनी सोच को छोटा या बड़ा बनाती है। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो अब आए फहाद के हेयर कट शुरू करें। तो यार फहाद का हेयर कट आप लोगों ने देख लिया है, और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि उसामा भाई ने बहुत लेवल के कारीगर रखे हैं यहाँ पर। मतलब फहाद का जो हेयर कट है मुझे पर्सनली बहुत कूल और फ्रेश लग रहा है, जो कि आपको भी दिख भी जाएगा कैमरे में। तो मैं एक चीज़ बस ये बोलने वाला हूँ कि यार कि अगर आप नॉर्थ कराची के सेक्टर 5B A या 5A2 या 3 या 4 अगर इधर कहीं भी रहते हो, तो यू शुड कम हेयर, मतलब एक बार तो आपको यहाँ ज़रूर चक्कर लगाना चाहिए। तो यार फहाद का हेयर स्टाइल बिल्कुल डन हो चुका है, और अब मैं आपको फाइनल शॉट दिखा रहा हूँ कि उसके हेयर स्टाइल लग कैसा रहा है। मुझे पर्सनली बहुत फ्रेश और कूल लग रहा है, तो अब आप देख के बताएं आपको कैसा लग रहा है।
सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।